सलाम और फुना सलाम, जय हिंद सलाम के साथ आज का वीडियो करेंगे शुरू। आज है 31 अक्टूबर, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की है जयंती, उसको आप मनाइए अपने अपने तरीके से। लेकिन इस वीडियो में सूचना सरदार पटेल की जयंती के उपरांत है एक और केंद्रीय विश्वविद्यालय के विषय में, जिसका नया अपडेट आया है काउंसलिंग को लेकर, रजिस्ट्रेशन को लेकर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2000 की प्रवेश परीक्षाओं का रिजल्ट आ चुका है 17 अक्टूबर को, और बहुत समय से मैं भी कर रहा था वेट इस नोटिफिकेशन और इस विश्वविद्यालय के काउंसलिंग, रजिस्ट्रेशन और एडमिशन के प्रोसेस का, जो कि आ चुका है। इसकी वेबसाइट पर आप जाएंगे, एडमिशन वाले लिंक पर जाएंगे, वहाँ आपको सारी सूचनाएँ विथ PDF फाइल के लिंक के साथ मिल जाएंगी। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट वहां भी जाके सूचनाओं को पढ़ सकते हैं, और यदि इतनी फुर्सत नहीं हो तो इस वीडियो में सभी सूचनाओं को प्राप्त करेंगे आने वाले कुछ मिनटों में। जी हाँ, और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि कौन सा नोटिफिकेशन है जो 20 अक्टूबर को विश्वविद्यालय ने दिया था अपनी वेबसाइट पर, और वह नया नोटिफिकेशन क्या है जो 28 अक्टूबर को विश्वविद्यालय ने अपनी वेबसाइट पर दिया है, और एक तीसरा नोटिफिकेशन है कि जिसमें रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा UG कोर्सेज के एडमिशन के लिए, PG कोर्सेज के एडमिशन के लिए, MPhil और PhD कोर्सेज के एडमिशन के लिए, और कब से, और क्या और संभावनाएं हैं काउंसलिंग के लिए, वह भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के अंतर्गत आने वाले इस विश्वविद्यालय का नाम है झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, अर्थात सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, जो रांची के नज़दीक पड़ती है। इस विश्वविद्यालय के बारे में आज बात करेंगे, तो शुरू करते हैं वीडियो। और जैसा कि मैंने कहा, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर तीनों ही नोटिफिकेशन, या कहें चारों ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग एडमिनेशन, अर्थात कि एडमिशन और काउंसलिंग के वक्त कौन कौन से दस्तावेजों की आपको आवश्यकता पड़ेगी, उसका एक लिंक दिया है। लेकिन 31 अक्टूबर हो चुकी है आज, लेकिन 30 अक्टूबर रात्रि 11 बजे से यह लिंक ओपन नहीं हो रहा, यानी कि 30 अक्टूबर रात्रि 11 बजे तक यह लिंक ओपन हो रहा था, प्रॉपरली काम भी कर रहा था, मैंने भी पढ़ा था। अगर उस समय वीडियो बना लेता तो लिंक मुझे भी मिल जाता, लेकिन अब केवल लिंक शो कर रहा है लेकिन ओपन नहीं हो रहा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और एडमिशन के वक्त और रजिस्ट्रेशन के बाद कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता है, उसमें समस्या हो सकती है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, लेकिन जो मेरी मोटी मोटी समझ है और जो मैंने कुछ टीचरों से यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड और कुछ स्टूडेंट से बात की है, क्योंकि नोटिफिकेशन मैंने 11 बजे से पहले पढ़ लिया था, तो मोटा मोटा जो डॉक्यूमेंट्स मुझे याद हैं वह ज़रूर बताऊंगा, और उसके अलावा जो दो और डॉक्यूमेंट्स हैं 20 और 28 अक्टूबर के, उसका भी जिक्र करूंगा। और आप समझ ही चुके हैं मैं बात कर रहा हूं यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की। तो शुरू से मैं शुरू करता हूं, जो नोटिफिकेशन आता है 20 अक्टूबर को, क्योंकि 17 अक्टूबर को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का रिजल्ट आ चुका था, इसलिए नोटिफिकेशन 27 को आ गया। लेकिन 20 तारीख को आने वाला ये नोटिफिकेशन की डेट है, लेकिन डाला नहीं गया है 20 अक्टूबर को, इस बात का ध्यान रखिएगा। और CU SAT के अंतर्गत बहुत सी यूनिवर्सिटी में ये है कि नोटिफिकेशन की डेट कुछ और है लेकिन अपलोड किसी और डेट पे किया गया है, ये बड़ी विकट समस्या है। और जो फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दिए हैं विश्वविद्यालय ने, उसको लेकर बहुत सी समस्याएँ भी बच्चों को आ रही हैं। 20 अक्टूबर का नोटिफिकेशन कहता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के जितने भी UG के, PG के, डिप्लोमा और PhD के कोर्सेज में बच्चों ने प्रवेश परीक्षाएं दी हैं, बहुत जल्द उनकी काउंसलिंग और ऑनलाइन काउंसलिंग की व्यवस्था विश्वविद्यालय करेगा, ऐसा नोटिफिकेशन में साफ साफ जिक्र है। और उसके बाद जो 28 अक्टूबर का नोटिफिकेशन आता है, वह आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और उस नोटिफिकेशन का लिंक भी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। और नहीं मिलता है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं पर्सनली आपको नोटिफिकेशन का लिंक भेज दूंगा, अब ध्यान से उसको पढ़ लीजिएगा, एक पेज का नोटिफिकेशन है। सूचना आती है और ये कहती है कि रजिस्ट्रेशन, शब्दों पे गौर फरमाइएगा कि रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन काउंसलिंग, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। रजिस्ट्रेशन एडमिशन के लिए और ऑनलाइन काउंसलिंग इंटरव्यू के लिए, इसीलिए जो UG और PG के बच्चे हैं
उनके लिए शब्द महत्वपूर्ण है रजिस्ट्रेशन, और जो भी एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट हैं या इंटीग्रेटेड कोर्स स्टूडेंट हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है काउंसलिंग या ई काउंसलिंग। इसकी संभावित डेट दी है सभी कोर्सेज के, उसमें डिप्लोमा भी इंक्लूड है, उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन शब्द है। और जो डेट दी है विश्वविद्यालय ने, यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड ने, वह दी है 6 नवंबर 2020। जी हाँ, 6 नवंबर 2020 तक आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग या ई काउंसलिंग या रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन स्टार्ट होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी तक मेरिट की लिस्ट जाहिर नहीं की है यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड ने, क्योंकि बिना मेरिट की लिस्ट डाले या बिना, जब तक आप भी मेरिट को नहीं जान पाएंगे, नहीं पता कर पाएंगे, तब तक आपको भी नहीं पता लगेगा कि कितने प्रतिशत वाले विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को, स्टूडेंट्स को विश्वविद्यालय ने एडमिशन दिया है या इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई माना है और बुलाया है। इसलिए मेरिट का वेट कीजिए। कुछ विश्वविद्यालयों में 45 भी गई है, किसी में 50 भी गई है और किसी में अबव 60 भी गई है। अलग यूनिवर्सिटीज़ की, अलग अलग कोर्सेज की डिफरेंट डिफरेंट मेरिट गई हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी होगी। यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के अभी नोटिफिकेशन क्लियर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, लेकिन 6 नवंबर से डेट्स भी आ जाएंगी और उससे पहले डेट्स आ जाएंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। 3 या 4 नवंबर में पूरी डेट्स आ जाएंगी, शेड्यूल आ जाएगा और मेरिट भी आ जाएगी। तीसरी सूचना जो बहुत महत्वपूर्ण सूचना है और जो कि मैंने बताया, वह लिंक ओपन नहीं हो रहा है, कि एडमिशन के दौरान किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी और ऑनलाइन काउंसलिंग को भरते वक्त किस प्रकार के और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। मोटा मोटा मैं बता देता हूँ कि किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। आप यदि ओबीसी कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस हैं और पीडब्ल्यूडी हैं, और इनके सर्टिफिकेट आपको लगाने पड़ेंगे, और सर्टिफिकेट का क्या होगा फॉर्मेट, उसका उसी का एक पीडीएफ का लिंक दिया था विश्वविद्यालय अपनी वेबसाइट पर, जो कि अब ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही ओपन होगा, तो क्योंकि मैंने वेबसाइट का लिंक दिया है, आपको खोजना पड़ेगा उस लिंक के बारे में, और हेडिंग उस पर जो पड़ी होगी, जो लिंक बहुत ज़रूरी है आपके लिए पीडीएफ के लिए, जिसका हेडिंग होगा आपके लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट ऑनलाइन काउंसलिंग कम एडमिशन 2020, ये लिंक जैसे ही ओपन होगा इसको सेव कर लीजिएगा पीडीएफ फाइल को, ना जाने फिर कब हटा दिया जाए या बंद हो जाए बहुत, क्योंकि इसी नोटिफिकेशन में आपको सारे सर्टिफिकेट्स का फॉर्मेट बना बनाया मिलेगा विथ अंडरटेकिंग के सर्टिफिकेट के साथ, क्योंकि आपको अंडरटेकिंग का सर्टिफिकेट भी लगाना है, एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट लगाना है, आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी उसका भी सर्टिफिकेट लगाना है, एससी एसटी के यदि आप हैं तो आपने जो सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है वह लगाना है। इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट्स हैं, 10th 12th की मार्कशीट और डिग्री मिल चुकी है, यानी कि सर्टिफिकेट जो होता है लिविंग सर्टिफिकेट वह है, तो वह भी लगाइएगा। ग्रेजुएशन और मास्टर्स की फाइनल ईयर की मार्कशीट ज़रूर लगाइएगा, डिग्री है तो वह भी लगाइएगा जब मांगा जाएगा ऑनलाइन काउंसलिंग में, क्योंकि पोर्टल जब ओपन होगा तब एक और वीडियो बनाऊंगा, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ जब आपका जो रिजल्ट आया था 17 अक्टूबर को, आपका जो स्कोर कार्ड है उसका प्रिंटआउट लिया होगा आपने, उसको भी अटैच करके लगाना है। जब आपने एडमिशन देने गए होंगे सीयूसेट का, उसका एक एडमिट कार्ड मिला होगा जिसे हॉल टिकट बोलते हैं, वह भी आपको लगाना है। और जब आपने सीयूसेट का फॉर्म अप्लाई किया था उसके लिए भी एक फॉर्म भरा होगा आपने, उसकी भी कॉपी लगानी है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ जिन डॉक्यूमेंट्स की और आवश्यकता थी मैंने पहले आपको बता दिया, आपके सर्टिफिकेट्स की, इस बात का ध्यान रखिएगा, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखिएगा। दो चीज़ छूट गई हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ है, जिसके बिना इंटरव्यू के लिए आप क्वालिफाई तो हो जाएंगे लेकिन एडमिशन नहीं हो पाएगा। मैं दो डॉक्यूमेंट्स क्या है वह भी बताऊंगा, इसलिए कुछ चीज़ों को रिपीट कर देता हूं। 6 नवंबर से यूजी पीजी डिप्लोमा और पीएचडी एमफिल इंटीग्रेटेड की काउंसलिंग की डेट्स भी आ जाएगी, मेरिट भी आ जाएगी, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। 28 अक्टूबर के नोटिफिकेशन में साफ साफ ये कह दिया गया है कौन कौन से ज़रूरी दस्तावेज हैं, मैंने आपको बता दिए, और यह सभी दस्तावेज जिनकी काउंसलिंग है उनको लगाने हैं और जिनका एडमिशन है उनको लगाने हैं। और जब आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे स्कैन करके, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटैच ज़रूर कीजिएगा और अपने फ़ोटोज़ को और अपने सर्टिफिकेट्स को कलर फॉर्मेट में लगाइएगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ये दो ज़रूरी चीज़ थी, इसका विशेष ध्यान रखिएगा, सभी डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटैच कीजिएगा और कलर लगाइएगा जो कलर में है, जो ब्लैक एंड वाइट है उसको ब्लैक एंड वाइट में, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। एक वीडियो में 3 या 4 नवंबर को बनाऊंगा कि जो ये इंटरव्यू होंगे, आपको साक्षात्कार के वक्त अपना एक सिनॉप्सिस संभावित शोध पत्र तैयार करना है,
कैसे बनाना है, क्या क्या उसके पॉइंट्स हैं, क्या क्राइटेरिया है, उसको लेकर अपनी समझ के अनुसार और जो भी मेरा कुछ वर्षों का शोध का ज्ञान है उसके अनुसार उसको वीडियो को बनाऊंगा, उसको ज़रूर देखिएगा। और यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की इस वीडियो को आपने कितना पसंद किया मुझे बताइएगा। इसी वीडियो में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा को इंक्लूड करने वाला था क्योंकि उसका भी एक नोटिफिकेशन आया था रिसर्च यानी कि एमफिल पीएचडी की काउंसलिंग के लिए, लेकिन सूचनाएं अधूरी थी इसीलिए इस वीडियो में नहीं बता रहा हूं। लेकिन अपनी संतुष्टि के लिए जिन्होंने भी यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में अप्लाई किया है एमफिल पीएचडी किसी भी कोर्स के लिए, वह वेबसाइट ज़रूर चेक कर लीजिएगा यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की, जो भी नया नोटिफिकेशन आया है काउंसलिंग के लिए। इस वीडियो को आपने देखा और पसंद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और यहाँ से मजबूत रहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।